Assalamu alaikum, dear students. Today on 14th of September 2020, subject Journal English, class 9th, our topic is letter writing. Introduction to letter. Introduction to a letter. A letter is a written form of communication that is addressed to a specific person or a specific organization. यानी letter जो होते हैं ये एक communication के फॉर्म है, जिस तरह मोबाइल फोन है, जिस तरह ईमेल है, जिस तरह मैसेजेस हैं, एसएमएस वगैरह हैं, इसी तरह लेटर भी हैं एक फॉरम कम्युनिकेशन की, जिससे हम एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं. दैट इज एड्रेस टू अ स्पेसिफिक पर्सन, एक खास पर्सन को ये एड्रेस की जाती है या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस की जाती है. इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट एंड नॉन एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये सबसे आसान और नॉन एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन है, यानी जिसमें कोई खर्चा नहीं होता है, जो मुफ्त में है. तो जिस तरह मोबाइल फोन में हमें खर्चा होता है, बाकी जो जो गैजेट्स होते हैं, जो जो टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हमें खर्चा होता है, लेकिन इसमें कोई खर्चा नहीं होता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द रिसीवर, यानी जो राइटर होता है वो रिसीव करने वाला होता है. डिटरमाइनस द वे ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी वो किस तरह किस प्रकार की, जो कि इस तरह तरीके की जो लेटर वो लिखेंगे. ईच हैविंग इट्स ओन स्टाइल, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, तरीका होता है. लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, लेटर्स की दो किस्में हैं. एक है फॉर्मल लेटर्स, दीज लेटर्स इंक्लूड एप्लीकेशंस, इनमें दरख्वास्त होते हैं. लेटर्स टू एडिटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड these letters have an objective or business. These letters have an objective or a business lifestyle of like a style of writing. Then we have informal letters of writing. Yahan pe likhunga main राइटिंग, ये मार्कर जरा थोड़ा कम लिख रहा है. तो इसके बाद हमारा जो है वो है इनफॉर्मल लेटर्स. नंबर टू है इनफॉर्मल लेटर्स. ये जो लेटर्स होते हैं, दीज लेटर्स इंक्लूड लेटर्स टू पेरेंट्स, इनमें जो होते हैं पेरेंट्स को जो लेटर्स हम लिखते हैं, रिलेटिव्स को जो लेटर्स हम लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं, या फ्रेंड्स को जो लेटर्स हम लिखते हैं एक्स्ट्रा. दीज लेटर्स हैव एन इजी एंड कन्वेंशनल लैंग्वेज, यानी इनमें इजी लैंग्वेज होती है. ठीक है, ये जो लेटर्स हम लिखते हैं व्हाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, वन शुड इंश्योर दैट इट इज नॉट टू एक्सटेंसिव. दीज लेटर्स आर सपोज्ड टू बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, यानी जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ये शॉर्ट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए. इसके बाद लेटर का जो स्टाइल होता है, किस तरीके से लेटर लिखते हैं, तो वो मैं दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा. तो थैंक्स.